हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013 प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने जो नया कैलेंडर का सेटअप किया हुआ है, ऑफिस कैलेंडर, और उसको किस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमने एक और नया कैलेंडर क्रिएट किया है, वो है ऑफिस कैलेंडर। अब मैं प्रोजेक्ट में जाता हूं और यहां पे मेरे पास ऑप्शन है चेंज वर्किंग टाइम। तो यहां पे आप देख सकते हो जो वाइट सेल है वो सब वर्किंग टाइम है, जो ग्रे कलर के सेल है वो है नॉन वर्किंग टाइम। अब मुझे यहां पे चेंजेस करना है। सो मैं वर्क वीक्स में जाता हूं और यहां पे मेरे पास ऑप्शन है डिटेल्स पर जाके यहाँ पर अभी फिलहाल मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स है। सो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से मंडे टू थर्सडे वर्किंग आवर और फ्राइडे है नॉन वर्किंग। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करता हूँ फ्राइडे पे और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेट दिस डेज टू द नॉन वर्किंग टाइम एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को यहाँ पे नॉन वर्किंग टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे नॉन वर्किंग, सैटरडे भी नॉन वर्किंग और संडे भी नॉन वर्किंग, और मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे वर्किंग टाइम है। अब फ्राइडे को मैंने नॉन वर्किंग दिया है, सो मंडे टू सैटरडे, मंडे टू थर्सडे मुझे यहाँ पे डेट चेंज करना है। सो मंडे टू थर्सडे को मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ सेट डेज टू दिस स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स। 8 to 12 इज गुड, बट 1 to 6, सो 1 to 6 PM एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हो कि उस मुताबिक यहाँ पे जो भी अपडेट है वो अपडेट यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं मंडे टू थर्सडे अगर 5 PM तक वर्किंग है तो आपका शेड्यूलिंग है 72 डेज, 37 डेज, 25 डेज, 15 डेज, लाइक दैट। लेकिन अगर मैं उसको चेंज करता हूँ अप टू 6 PM मंडे टू थर्सडे अप टू 6 PM तो आप देख सकते हो वो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज है वो सेम चीज हम ऑप्शन में जाके भी सेट कर सकते हैं। सो गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन ऑप्शन और यहाँ पे हमें जाना है शेड्यूल, और शेड्यूल में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आवर्स पर डे, राइट। सो बेसिकली हम 9 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 9 आवर्स पर वीक, टोटल 36 आवर्स है हमारे पास, और टोटल डेज पर मंथ 20 डेज पर मंथ, इंस्टेड ऑफ 20 हम 16 डेज पर मंथ वर्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम 8 AM, दैट इज़ गुड, बट डिफ़ॉल्ट एंडिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम 8 AM है, एंडिंग टाइम मुझे चेंज करना है और वो मैं चेंज करता हूँ 6 PM और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो कि उस मुताबिक यहाँ पे जो मेरा शेड्यूल है, ड्यूरेशन है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो। ओके, सो अभी यहाँ पे हम एक और सेटअप कर सकते हैं, वो है समर सेटअप। सो लेट्स से समर में हमारा वर्किंग आवर लेट्स से इंक्रीज है, राइट। सो मैं यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम में जाता हूँ और यहाँ पे वर्कशीट है और वर्क वीक्स में मैं टाइप करता हूँ समर वीक्स, राइट। और उसमें स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट यहाँ पे मुझे डालना है। सो ऑब्वियसली इंडिया में समर स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट अबाउट 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, राइट। और यहाँ पे मैं डिटेल्स में जा सकता हूँ और इस टाइम के दौरान मेरा जो वर्किंग है वो है लेट से अप टू 7 PM। सो यहाँ पे मेरे पास है 1 PM टू 2 PM और 8 टू 12
वन टू टू लाइक दैट, तो वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सेप्शन, सो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन डिफॉल्ट वर्क वीक्स, सो नॉन डिफॉल्ट वर्क वीक्स जो है वो आपका शो कर रहा है विद दिस बैकग्राउंड। एक्सेप्शन डे जो है वो आपका शो कर रहा है विद कैन बैकग्राउंड, और एडिटेड जो है वो है अंडरलाइन बैकग्राउंड। अब एक्सेप्शन मतलब कि हॉलीडे, सो लेट से 29th July 2020 इज अ हॉलीडे, राइट। सो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ 29th July 2020 हॉलीडे, और वो स्टार्ट होता है 28 और एंड होता है 29। यहाँ पे मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरा ऑप्शन यहाँ पे है नॉन वर्किंग, सो दैट इज़ ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28 जुलाई के बाद मतलब 29th जुलाई वो है हमारा एक्सेप्शन डेज और वो है नॉन वर्किंग डेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्शन 29 जुलाई ऑन कैलेंडर ऑफिस कैलेंडर, राइट। और वो एक्सेप्शन क्या है वो आप डिटेल्स में जाके वेरीफाई कर सकते हो। अभी लट से आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्वार्टरली मीटिंग होता है, राइट। सो एवरी 3 मंथ्स आपकी मीटिंग्स होती है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ लट से क्वार्टर मीटिंग्स, और क्वार्टरली जो मेरी मीटिंग्स है वो जनवरी से लेके मींस 1st January से लेके स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे मैं डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ, और क्वार्टरली जो मेरी मीटिंग्स है वो है मंथली, राइट। सो एवरी या तो फिर ईयरली भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो ईयरली ऑन 1st January द फर्स्ट लेट्स से 1st Monday ऑफ जनवरी, सो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। और मंथली अगर आपको करना है तो मंथली भी आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हो। तो मुझे ऑब्वियसली मंथली सेट करना है, सो 1st Monday मेरी क्वार्टरली मीटिंग होगी ऑफ एवरी 3 मंथ, और वहाँ पे मेरा जो अकरेंस है वो लड़ है लट से 12 अकरेंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी एंडिंग डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिक्स हो गई है। सो ऑब्वियसली मेरी जो मीटिंग्स है वो टोटल 12 मीटिंग्स होने वाली है, और हर 3 महीने में 1 मीटिंग्स होती है। सो टोटल जो हमारा टाइम पीरियड लगेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 12 × 3। सो क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया है, एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई, यू कैन चेंज योर कैलेंडर आवर्स, वर्किंग आवर्स, एंड यू कैन ऑल्सो सेट ओवर टाइम आवर्स लाइक दैट।